अक्षय ने मार दिया प्राची के सर पर जोर से डंडा और प्राची हो गई बेहोश। और अनबे लाएगा अक्षय की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अक्षय किसी को भी पता ना चले ऐसे अपने आदमी को पैसे देने के लिए बख्शी चौल में जाएगा, जहाँ पर अक्षय का आदमी खुशी को किडनैप करके रखा होगा। और रणबीर किडनैपर का पीछा करते हुए चौल में पहुंचेगा, तभी प्राची का रणबीर को दोबारा फोन आएगा, जहाँ पर जब प्राची रणबीर को कहेगी कि रणबीर तुम अभी कहाँ पर हो, तभी रणबीर कहेगा मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक चौल में हूँ, जिसे सुनकर प्राची और अक्षय की बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब पुलिस वाले रणबीर की लोकेशन यानी कि रणबीर के कॉल को प्राची के कॉल से ट्रेस कर रहे होंगे, तभी पुलिस वालों को रणबीर कहाँ पर है उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस वाले रणबीर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए बख्शी चौल में चले जाएंगे, जिसके बारे में अक्षय की बुआ को पता चल जाएगा। और अक्षय की बुआ तुरंत अक्षय को फोन कर देगी और अक्षय को फोन करके कहेगी कि अक्षय रणबीर की लोकेशन पता चल गई है। यह सुनकर अक्षय को काफी बड़ा शौक लगेगा और अक्षय कहेगा कौन से लोकेशन, तभी अक्षय की बुआ कहेगी वो बख्शी चौल, रणबीर बख्शी चौल में है। यह सब बुआ के मुँह से प्राची पीछे से सुन लेगी और खुशी को ढूंढने के लिए प्राची अक्षय के घर से अकेली ही चली जाएगी। जहाँ पर जब प्राची बख्शी चौल में खुशी को ढूंढते हुए पहुँचेगी और अक्षय के आदमी के अड्डे पर यानी कि अक्षय के रूम में जाएगी, तभी अक्षय रूम में पीछे छुपकर बैठा होगा। जहाँ पर जब प्राची अक्षय के आदमी के हाथों में खुशी को देखेगी, तभी प्राची को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी प्राची को पता ना चले ऐसे अक्षय प्राची को पीछे से डंडा मार देगा और प्राची बेहोश होकर गिर जाएगी और रणबीर को प्राची की चिल्लाने की आवाज आएगी। जहाँ पर जब रणबीर प्राची की आवाज का पीछा करते हुए प्राची को ढूंढते हुए जब अक्षय के आदमी के कमरे में पहुंचेगा और प्राची को अक्षय और उसके आदमी खुशी के साथ बेहोश होते हुए देखेगा, तभी रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रणबीर काफी गुस्से से प्राची को बचाने के लिए और अपनी खुशी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बिना अक्षय को मारने लगेगा। जहां पर जब अक्षय का आदमी रणबीर को मारने के लिए चाकू निकालेगा और अक्षय का आदमी रणबीर को चाकू मारने जा ही रहा होगा, तभी वो चाकू अक्षय को लग जाएगा, जिसे देखकर रणबीर और अक्षय के आदमी को काफी बड़ा शौक लगेगा। और अक्षय को जब काफी खून निकल रहा होगा, तभी अक्षय का आदमी रणबीर को पता ना चले ऐसे भाग जाएगा और रणबीर अपनी बेटी खुशी और प्राची को बचाते हुए प्राची को होश में लाने की कोशिश करेगा। जहाँ पर जब प्राची को होश आएगा और प्राची रणबीर के साथ खुशी को देखेगी, तभी प्राची अपनी बच्ची खुशी को देखकर गले लगा लेगी। जहाँ पर जब प्राची की नजर पीछे अक्षय पर जाएगी और प्राची चिल्लाकर अक्षय का नाम लेती हुई कहेगी कि अक्षय खून, यह सब कैसे हुआ, रणबीर अक्षय को खून क्यों निकल रहा है, क्या हुआ था यहाँ पर। तभी यह सुनकर रणबीर अक्षय की असली प्राची के सामने लाने जा ही रहा होगा और रणबीर प्राची को कहेगा कि अक्षय ने हमारी बच्ची खुशी को किडनैप किया था, उसी ने ये सब करवाया था। तभी अक्षय सारा इल्जाम रणबीर पर डालते हुए प्राची को कहेगा कि प्राची ये सब रणबीर ने किया था, मैं यहाँ पर खुशी को बचाने आया था और जैसे ही मैं खुशी को बचाने जा रहा था वैसे ही उसने मुझे चाकू मार दिया और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि रणबीर ने सबसे पहले तो तुम्हें बेहोश कर दिया था। यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्राची रणबीर पर भरोसा न करते हुए अक्षय की बातों पर भरोसा करेगी और रणबीर को गुनहगार मानेगी। और ऐसा होगा तो रणबीर को वैसे प्राची से दूर हो जाना चाहिए क्या नहीं, और आप प्राची रणबीर की जोड़ी को खुशी के साथ फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।